नमस्कार दोस्तों, आज से 10 साल पहले एक संतराम नाम के शख्स की एक न्यूज़ आती है जिसमें ऐसा बताया जाता है कि इनको आज से 15 साल पहले से एक सांप परेशान कर रहा है जो कि महीने दो महीने में काट ही लेता है। और 15 साल पहले की बात ये बताई जाती है कि खेत में इन्होंने नागिन को देख लिया था, पहले नागिन ने इनको काटा, फिर इन्होंने नागिन को ख़त्म कर दिया। तब से बैक टू बैक महीने दो महीने में लगातार 15 साल से एक आध बार सांप काट ही लेता है। और अभी 4-5 दिन पहले भी आपने एक खबर सुनी होगी जहाँ पे एक सांप व्यक्ति को काट लेता है तो उल्टा बदले में व्यक्ति काट लेता सांप को, व्यक्ति को कुछ नहीं होता है, सांप ही खत्म हो जाता है। विकास दुबे को लगातार 40 दिन से सांप काटता आ रहा है, पूरा परिवार परेशान है, 7 बार तक सांप काट चुका है। अभी तक आपने सुन लिया होगा कि सपने में आया था, बताया था कि भाई मैं काटूंगा, 9वीं बार में तू बचेगा नहीं, कोई भी तांत्रिक विद्या नहीं बचा पाएगा, कोई भी डॉक्टर नहीं बचा पाएगा, ये चीज़ें आपने सुनी होंगी। लेकिन असल में चीज़ें क्या हो रही है, इसके पीछे के क्या हो सकते हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लोग डॉक्टर से पूछ रहे तो डॉक्टर की भी बात समझ में नहीं आ रही है, मनोचिकित्सक से पूछ रहे तो वो हंसी मजाक में इस बात को ले रहा है, इसको एक साइकियाट्रिस की ज़रूरत है जो कि इसके दिमाग को सही कर सके, और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। लेकिन ये चूतिया के पट्टे ये नहीं बता रहे कि भाई जो सपने में आ रहा है ठीक है, सपने में गलत भी हो सकता है, वो सत्य कैसे हो रहा है, उसके उस तक कोई बात नहीं कर रहा है। अचंभे की बात यह है कि सांप ने अभी तक जितनी बार भी काटा है एक बार भी किसी को नहीं दिखाया, केवल इस शख्स को दिखता है, विकास दुबे को, जिसको सांप काटता है। तो विकास दुबे का कोई मित्र दोस्त है जो कि बताता है कि 5 फन का सांप है, सांप उसी को दिखाई देता है, वो कहता है कि 5 फन का सांप है। परिवार वाले भाई सरकार से मदद की डिमांड कर रहे हैं, अब लोग सोच रहे हैं कि सरकार इसमें क्या करेगी, तो सरकार यही करेगी कि भाई जो इनका खर्चा वर्चा हो रहा है वो उठाएगी, और खासकर इसमें जांच कमेटी भी बैठाई जाएगी जो कि बैठा दी गई है 3 डॉक्टरों की। जिस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है वो देखा जाएगा, इलाज इसका सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, डॉक्टर किस तरीके की क्या दवाई दे रहे हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर जांच करी जाएगी, फिर उसके बाद में रिपोर्ट तैयार करके सौंपी जाएगी CMO को। लेकिन बात फिर से वहीं अटक गई कि सांप क्यों काट रहा है बार बार, इसका कोई भी सही से जवाब नहीं दे रहा है। मालूम हालांकि सभी को है कि इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पीछे का कारण हो सकता है, लेकिन कोई बता नहीं पा रहा क्योंकि वो तो भाई डॉक्टर हैं, वो कैसे बोल पाएंगे। हालांकि इस समय वो एक लाइन को बोल रहे हैं जो हमेशा कहते हैं कि अब तो भाई ऊपर ही वाला कुछ कर सकता है। माता का कहना है कि 4 बार घर पे ही काटा, 2 बार चाचा के यहाँ काटा, 1 बार मौसी के यहाँ काटा। 4 बार तो यही घर पे काटा है, 2 बार चाचू के यहाँ काटा, 1 बार मौसी के यहाँ काटा। अब जब लड़का परेशान तो पूरे घर वाले परेशान, जवान लड़का 24 साल का, जान बचाने के लिए इधर उधर भेज रहे हैं, लेकिन सांप जो है पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब इसी मुद्दे पे विशेषज्ञों का ये कहना है कि भाई नाग नागिन वाली चीज कोई नहीं है, बदला बदली वाला कोई भी चीज नहीं है। हाँ, जब कोई किसी सांप को मारता है तो उस समय एक गंध से निकलती है जिसको सूंघते हुए सांप पहुंच जाता उसके पास में, लेकिन अगर उस गंध को सूंघते सूंघते सांप उसके पास पहुंच जाए तो उस चीज को भी नकार रहे हैं कि सांप नहीं काट सकता, केवल पहुंच सकता है। क्योंकि ये तो वही वाली बात होगी, कहीं से दुर्गंध आ रही, बदबू आ रही, तो भाई कूड़ा अगर आपको बड़ा ढेर कहीं दिखा तो वहां से उसको लात थोड़ी मारोगे, भागोगे वहां से जल्दी। वही चीज यहाँ पे भी नजर आती है। अभी तक जितनी भी खबर इस चीज को लेकर देखी है उससे ऐसा मालूम चला है कि सनातन के प्रति इतना इनका लगाव नहीं है, सेकुलर वाले हैं। अगर इनको सांप काटता है तो डॉक्टर के पास भी पहुंच जाते हैं, पंडित के पास भी पहुंच जाते हैं, मौलाना के पास भी लगातार पहुंचते ही जा रहे हैं। हमने कई हाकिम, कई मौलाना, कई तीर्थ स्थल, कई जैसे भी हमको सूचना मिलती है, हर जगह माथा टेक चुके पर हमें कहीं भी आराम नहीं मिले। भाई सिंपल सी चीज़, जब मौलाना लोग इन सब चीज़ों पे विश्वास ही नहीं करते हो तो उन तक पहुंच क्यों रहे हो, वहां तक जाना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पहुंच रहे हैं। अब अगर मैं अपनी तरफ से कुछ बात करूं पुनर्जन्म को लेकर कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सत्य है, पुनर्जन्म को लेकर कुछ हो सकता है, बदले वाली चीज़ हो सकती है। कुछ इन्होंने पिछले जन्म में सांप के साथ कुछ किया होगा जिसको लेकर ये बदलाव ले रहा है सांप, या फिर कोई इंसान व्यक्ति के साथ ही इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जिसको लेकर आप सांप बन के बदला ले रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले इन्होंने इसी जन्म में सांप के साथ कुछ करा होगा, मारा वारा होगा, जिसको लेकर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। डॉक्टर जो कह रहे हैं वो अलग मैटर है, लेकिन ये जो बार बार सांप काट रहा है ये बदला ही ले रहा है, और ये जो सांप बार बार काट रहा है ना, ये कोई सांप ही नहीं है, ये मेरी नज़र में शायद कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो सांप बन के आता है, क्योंकि जो सांप काट के जाता है उसको इन्होंने खुद देखा है 5 फन वाला है। और अगर आप चोरी छुपे मौसी के यहाँ चाचा के यहाँ पे अगर पहुँच रहे हैं तो क्या सांप के पास फ़ोन है कि भाई ओए वो लड़का आ रहा है उसे पकड़ लियो, काट लियो उसे वहाँ पे, ठीक है एड्रेस ये रहा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो हमें पहले से आवाज़ हो जाता है और काटने से 6-7 घंटे पहले हम अपने घर में बता देते हैं कि आज के दिन सांप काटेगा, शनिवार रविवार सांप निरंतर काट रहा है। सांप को भी कहीं ना कहीं पहले से ही आभास हो जाता होगा कि भाई अब ये यहाँ पे जाने वाला है, तो चलो गाड़ी पे लटक लो या इसके साथ कहीं ना कहीं गाड़ी में बैठ लो, या बंदा डायरेक्ट शक्ति से वहाँ पहुँच जाता होगा। सांप जहाँ तक
उसके इर्द गिर्द ही रहता होगा हमेशा। जो भी बात चलती होगी घर पे वो सारी चीज़ें सांप को मालूम होती होगी। अगर ये सारी चीज़ सांप सुन रहा है, देख रहा है, कर रहा है तो वो नॉर्मल तो हो नहीं सकता। सांप ने बोला है कि 9वीं बार काटूंगा तो कोई भी तांत्रिक विद्या नहीं बचा पाएगी, ये गलत है। बचाया जा सकता है अगर ये एक जगह स्थिर रहे। हमने कई हाकिम, कई मौलाना, कई तीर्थ स्थल, कई जैसे भी हमको सूचना मिलती, हर जगह माथा टेक चुके पर हमें कहीं भी आराम नहीं मिले। हाँ, मुसीबत में लोग ढूंढते भाई, कोई भी नजर आ जाए हम वहीं चले जाएंगे, बस ठीक कर दे। नजर आता है, आंख बंद हो जाती है, उस समय कुछ नहीं दिखाई देता, बस इतना दिखाई देता कि बच्चा सही हो जाए, लड़का सही हो जाए, बस और कुछ नहीं। लेकिन यही वो समय होता है जहाँ पे माइंड सेट को कंट्रोल करना होता है और सच में जहाँ पे सही जगह है वहाँ पे हाथ जोड़ने पड़ते हैं। तो अब अगर विकास दुबे को कोई भी बचा सकता है तो वो केवल और केवल भाई पूजा पाठ है। भगवान के सामने आपको नतमस्तक ही होना पड़ेगा, अपने आप को वहाँ समर्पित कर देना पड़ेगा, तभी आगे कुछ हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर तो भाई वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। आप कई लोग ऐसा मानते हैं कि डॉक्टर ही कर सकता है, भाई भगवान भगवान कुछ नहीं, डॉक्टर कर सकते हैं, ठीक है। आपको डॉक्टर पर भी दिखाना है, ऐसा नहीं कि बीमार है तो घर पर मंदिर पर रखो, नहीं, डॉक्टर को वहाँ पर रखो। लेकिन जो कार है आपको, जो भगवान से कनेक्शन बनाना है, वो बनाना ही पड़ेगा इस समय, क्योंकि आज से पहले शायद आपने कभी भी उस तरीके से कनेक्शन नहीं बनाया होगा भगवान से, जो आज बनाने की कोशिश कर रहे होगे, तभी आप मौलाना वौलाना के पास लेकर घूम रहे हो। तो मेरे हिसाब से सीधी सी बात है कि जब इसको बार बार सांप बताया जा रहा है और खासकर 5 फन वाला, तो ये नॉर्मल तो सांप हो ही नहीं सकता। कोई भी कहीं चाचा मौसी के यहाँ पहुँच रहे हो तो डायरेक्ट सांप कैसे पहुँच जा रहा, वो खुद कोई दिव्य शक्ति है जो आपके पीछे पड़ी हुई है और वो आपके कर्मों का फल भोगने को कह रही है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग को पहले से ही मालूम चल जाता है कि भाई इस उम्र में मेरी मृत्यु हो जाएगी, इस समय या इस दिन में ख़त्म हो जाऊंगा। तो सेम कुछ शायद इनके साथ ही ऐसा हुआ होगा, सांप ने इनको इंडिकेट किया होगा, इशारा किया है कि 9वीं बार जब मैं आऊंगा तो तुम्हें साथ में ही लेकर के जाऊंगा। और अगर ये सच में ही ख़त्म हो जाएंगे तो इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ कि ज़रूरी नहीं कि सांप के काटने के बाद 9वीं बार ही तुरंत ख़त्म हो जाएंगे। इशारे होते हैं ये, एक्सीडेंट भी हो सकता है इनका, या किसी भी कारण इनकी मृत्यु हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि उस टाइम सांप के ही काटने से मृत्यु होगी। बाकी भगवान है जो आपको बचा सकते हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे, करने दो, भगवान के सामने आपको नतमस्तक होना ही पड़ेगा, तभी कुछ आगे हो सकता है। नमस्कार।